हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम अपना सेवेंथ प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम है पल्सेटिंग लैम्प। तो अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें हमने एलईडी को सिर्फ ऑन और ऑफ किया था, उसके ब्राइटनेस को चेंज नहीं किया था। इस वीडियो में हम एलईडी के ब्राइटनेस को चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगी। हमें एक ग्रीन एलईडी की ज़रूरत होगी और एक करंट लिमिटिंग रेसिस्टर। सिर्फ दो कंपोनेंट्स चाहिए हमें। करंट लिमिटिंग रेसिस्टर की वैल्यू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसकी वैल्यू आप 85 ओम से लेकर 200 ओम के बीच में कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सर्किट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्किट बहुत ही बेसिक सर्किट है। ये जो हमारा सर्किट है ये आपको सेम लगेगा हमारे पहले प्रोजेक्ट की सर्किट की तरह, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिन नंबर है वो 11 यूज़ हुआ है। तो 11 के सामने आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे PWM लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे जो डिजिटल पिन्स होते हैं, हमारे जो डिजिटल पिन्स हैं 0 से लेकर 13 तक, उसमें से 6 पिन्स नंबर 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11, ये जो 6 पिन्स होते हैं ये PWM इनपुट यानी कि पल्स विड्थ मॉडुलेशन इनपुट देने के काम आते हैं। इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो हमारे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या तो वो नंबर्स के आगे PWM लिखा होता है, या फिर जैसा कि हमारे मेरे आर्डिनो उनो में आप देख सकते होंगे कि वो एक टिल्ड सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी डिजिटल इनपुट पिन के आगे टिल्ड सिंबल है तो वो PWM इनपुट देने के यूज़ में भी आता है। तो बेसिकली हम ब्राइटनेस यूज़ करने के लिए PWM इनपुट का ही सहारा लेंगे। PWM इनपुट एक तरह का वेरिएबल इनपुट होता है, मीन्स एक्चुअली हम PWM इनपुट के थ्रू एक सिग्नल इनपुट करते हैं। जैसा कि एक एनालॉग सिग्नल होता है, वो एनालॉग सिग्नल की तरह ही एक सिग्नल हम डिजिटल पिंस के थ्रू PWM